दीदी। बिंदिया ने बढ़ाया निधि का हौसला, डॉक्टर के बिना बिंदिया ने कराया निधि के बच्चे का जन्म। कृष के रास्ते में आई बड़ी रुकावट, गाड़ी के ऊपर गिरा बड़ा पेड़। कलर्स टीवी के शो सुहागन के अपकमिंग एपिसोड में हमें ये देखने मिलेगा जैसा कि निधि का बच्चा डिलीवर होने वाला होता है, जहां पर तूफान के वजह से बिंदिया उसे घर से बाहर नहीं ले जा पाती है और ना ही कोई डॉक्टर घर को आ पाता है, जिसके चलते बिंदिया को ही निधि का बच्चा डिलीवर करवाना पड़ता है। यहां पर बिंदिया फोन के जरिए डॉक्टर संग वीडियो कॉल पे बात करके निधि के बच्चे को डिलीवर करवाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर बिजली भी नहीं होती है और बिंदिया का फोन ऑफ हो जाता है, जिसके चलते बिंदिया के लिए मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पर निधि अपना हौसला तोड़ती हुई नजर आ रही होती है। लेकिन यहाँ पर बिंदिया हिम्मत नहीं हारती है और जैसे तैसे निधि को हौसला देती हुई बिंदिया नजर आ रही है, और ऐसे में बिंदिया ने देवी का रूप बन के एक माँ को पुनर्जन्म दिया है, यानी कि निधि के बच्चे का जन्म हो चुका है। जहाँ पर परिवार वालों का ये कहना है कि यहाँ पर सिर्फ एक बच्चे का नहीं बल्कि एक माँ का भी जन्म हुआ है, जो कि सिर्फ बिंदिया के वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ कृष की माँ से कृष को ये खबर मिलती है कि निधि घर पर अकेली है, जहाँ पर उसके डिलीवरी का वक्त आ चुका है, और ऐसे में बिंदिया घर पे अकेली है। जहां पर कृष तेजी से अपने घर की तरफ निकलता है, लेकिन यहां पर कृष के गाड़ी के ऊपर बड़ा सा पेड़ गिर जाता है। वेल, क्या होने वाला है आगे जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।